नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं फिट भारत प्रोग्राम लेकर, क्योंकि फिट भारत का उद्देश्य ये है कि आप घर बैठे कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, और इसलिए फिट भारत प्रोग्राम लेकर हम आपके सामने हर हफ्ते आते हैं ताकि आप अपने आप को फिट रख पाएं। कई ऐसी बीमारियाँ हैं कि वो योग के जरिए ठीक हो सकती हैं। इस बात की जानकारी शायद आपको नहीं पता होगी, लेकिन ऐसा है कि योग के जरिए आप कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आज फिट भारत प्रोग्राम में बात करेंगे अस्थमा जैसी बीमारी की, जो काफ़ी भयानक होती है, लेकिन वो योग के जरिए ठीक हो सकती है। और आज इसी के बारे में जानेंगे और कैसे आप घर बैठे योग के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं, उसको आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान है, निष्कर्ष। निष्कर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। तो निष्कर्ष आज हमें बताने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे अस्थमा जैसी बीमारी को योग के जरिए ठीक कर सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं वो तो फिट भारत प्रोग्राम के जरिए हम अपने दर्शकों को बताते ही हैं, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जो योग के जरिए ठीक हो सकती हैं। क्या वाकई ऐसा है, और अस्थमा जैसी बीमारी क्या योग के जरिए जल्दी से ठीक हो सकती है? जी हर जी, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि अस्थमा होता कैसे है। आजकल अस्थमा जो होता है वो वायु प्रदूषण से होता है, और आप जो ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उसके द्वारा जो आपके फेफड़ों में सूजन पैदा कर देता है, और जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कतें आने लगती है। आपके ब्रोंकाइल में मलगम पैदा हो जाना, मलगम जम जाने के कारण आपको श्वास लेने में अधिक दिक्कतें होती है, जिसके कारण आपको अस्थमा हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आप योग के द्वारा ऐसे कौन से आसन हैं और प्राणायाम हैं जिनके कारण आप अपने अस्थमा को स्वस्थ कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो निष्कर्ष चलिए शुरुआत करते हैं उस योग की। ठीक है, आज हम सबसे पहले करेंगे भुजंगासन, जो आपके अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने में एक सहायक आसन है। सबसे पहले हम इसी प्रकार पेट के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास रखते हुए श्वास भरते हुए धीरे से अपने हाथों से कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। एक बार पुनः श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर आए। यहीं पे 5 से 10 सेकंड शरीर को, बॉडी को रोके अपने कंधों को एक आरामदायक स्थिति में रखें, शरीर को तनाव मुक्त रखें, और धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर 5 से 10 बार इसे दोहराए। यह आपके अस्थमा की बीमारी को ठीक करने में मदद करता है, और यह आपके फेफड़ों को खोलने में भी मदद करता है। आपके कमर के दर्द, आपकी कमर को लचीला बनाने में बहुत ही उपयोगी आसन है। अब हम जानेंगे दूसरा आसन, यहीं से वज्रासन में बैठ जाए। अब हम जानेंगे पर्वतासन, जिसे कहते हैं अधोमुख शवासन। यहीं से आप अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और हाथों को सामने रखेंगे। देन अपने दोनों घुटनों को ऊपर आसमान की तरफ उठाते हुए अपनी एड़ियों को जमीन पर टच करेंगे और पैरों के बीच में से पीछे देखेंगे। 5 से 10 सेकंड इसी प्रकार आसन में रुके रहे। और धीरे से सामान्य स्थिति में दोबारा वज्रासन में आ जाए। इसी प्रकार आसन को 5 से 10 बार दोहराए। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे आसन की, जो आपके अस्थमा के लिए बहुत ही उपयोगी है, और ये थायराइड के लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसे कहते हैं सेतु बंधासन। इसके लिए आप सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथ साइड में रखते हुए पैरों को सीधा करेंगे और पीठ के बल लेटते हुए दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे। श्वास को भरते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाए और शरीर को रोकने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए कमर को नीचे लाए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाए। इसी अवस्था में शरीर को 10 सेकंड रोकने का प्रयास करें। यह आपके कमर के दर्द के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए, अस्थमा और थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। रिलैक्स।
धीरे से दोनों पैरों को सीधा करें और यहीं से 10 से 15 सेकंड के लिए शवासन में लेट जाएं। अपने दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ करें, शरीर को ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद और अपनी श्वास को केंद्र बनाकर उस पर ध्यान लगाएं। 5 से 10 बार लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ें। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए दोनों हाथों को लेफ्ट साइड रखेंगे और सीधे बैठ जाएंगे। अब हम बात करेंगे ऐसे प्राणायाम की जो आपके अस्थमा के लिए बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति, जो आपके फेफड़ों से आपके मलगम जो कफ जमा हुआ होता है उसे दूर करने में मदद करता है और आपके फेफड़ों की सूजन को खत्म करता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जिसको उच्च रक्तचाप की बीमारी है वे कपालभाति को एक मध्यम या धीमी गति के साथ करेंगे। सबसे पहले अभी हम लेंगे ज्ञान मुद्रा। अपनी दोनों अंगूठे की और अपनी इंडेक्स फिंगर को टच करेंगे और तीनों उंगलियों को सीधा करते हुए घुटनों पर रखेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ें। कपालभाति करने के लिए आपको जो भी अधिक श्वास आपके पेट में है उसे बाहर निकालना होता है। नाभि को अंदर स्पर्श करते हुए आपको नाक के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ना होता है। धीरे धीरे पेट को अंदर की ओर करते हुए नाक से श्वास को छोड़ेंगे। एक मध्यम गति के साथ शुरुआत में इसे 15 से 20 बार करें। धीरे धीरे समय के अनुसार अपनी गति को और गिनती को बढ़ाते चले जाएं। धीरे धीरे धीमा करते हुए अपनी श्वास को सामान्य गति में लाएंगे और एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ें। अब हम बात करेंगे आपका भस्त्रिका प्राणायाम, जो आपके अस्थमा के रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी है। आप इसमें दोनों हाथ सामने की ओर करेंगे और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। नाक से लंबी गहरी श्वास लेंगे और मुंह से सांस को छोड़ेंगे। धीरे से सामान्य गति में आते हुए श्वास को धीमा करेंगे। भस्त्रिका करते हुए ध्यान दें कि आपके अपने कंधों को आपको किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना है। कंधों को धीरे से पीछे की ओर ले जाना है और मुंह से पूरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। यहाँ पर भस्त्रिका करने के बाद 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए श्वास को सामान्य गति में लाएंगे। अब हम बात करेंगे आपका सूर्यभेदी प्राणायाम। अपने उल्टे हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, अपनी बाकी फिंगर्स को फोल्ड करेंगे और अंगूठे को अपने लेफ्ट नोस्टिल को क्रॉस करेंगे। उल्टी नासिका को बंद करते हुए सीधी नासिका से श्वास लेंगे और रिंग फिंगर से सीधी नासिका को बंद करते हुए उल्टी नासिका से श्वास छोड़ेंगे। एक बार पुनः उल्टी नासिका को बंद करें, सीधी नासिका को छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास लें और फिर उल्टी नासिका सीधी नासिका को बंद करते हुए उल्टी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। 20 से 30 बार इसे नियमित रूप से दोहराएं प्रतिदिन। ये आपको ऊर्जावान बनाने में बहुत मदद करता है। जो लोग दिन में आलस्य महसूस करते हैं उन्हें ये सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए। उच्च रक्तचाप वालों को सूर्यभेदी प्राणायाम करने से बचना चाहिए,
उनके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। धीरे से श्वास को धीमा करते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। अब हम बात करते हैं आपका चौथा प्राणायाम ओम उच्चारण। दोनों हाथों की मुद्रा यही रखेंगे, ज्ञान मुद्रा, और नाक से लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए मुख से ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले। हमारा ओम सब तीन अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। कोशिश करें हृदय रोगी जो भी है वो आ शब्द को लंबा खींचने का प्रयास करें, क्योंकि आ शब्द हमारे हृदय और कंठ को, जो भी रोगी होते हैं हृदय और कंठ के, उन्हें लाभकारी होता है काफ़ी। और माँ शब्द आपका मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है, बीमारी होती है, उसमें बहुत ही लाभकारी होता है। 10 से 11 बार इसे नियमित रूप से करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाने का प्रयास करें। लंबी गहरी श्वास ले। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से श्वास को धीमा करेंगे और एक लंबी गहरी श्वास ले और धीरे से श्वास को छोड़े। अब हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी चारों उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। अपने मुख को बंद रखते हुए अपनी नासिकाओं से श्वास लेंगे और अपनी नासिकाओं के नाक के द्वारा ही ओम का उच्चारण करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार करने के बाद धीरे से कानों पर से अंगूठे को हटाए और आंखों पर से हाथ हटाते हुए सामने की ओर मुद्रा में रखें। अब हम एक ऐसी थेरेपी की बात करने वाले हैं जो योग में बहुत ही प्रसिद्ध है, हस्त क्लब थेरेपी, जो आपके पूरे बॉडी के, शरीर के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। क्लैपिंग थेरेपी भी इसे कहते हैं। अपने दोनों हाथों को प्रणाम आसन में रखेंगे और हाथों की उंगलियों में दूरियां बनाएंगे। आपको इसमें अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहे अपने भगवान का नाम ले सकते हैं या राम का नाम ले सकते हैं। क्लैपिंग करते हुए आपको ओम या राम का उच्चारण करना है। इसे आप कितनी भी बार कर सकते हैं अपने क्षमता अनुसार। इस प्रकार ओम 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 ओम। इस प्रकार का विशेष ध्यान रखें कि आपका पूरा हाथ एक दूसरे से टच होना चाहिए और एक दोनों हाथों पर एक दबाव बनना चाहिए। इसके बाद धीरे से हाथों को रब करेंगे, आपस में रगड़ते हुए दोनों हाथों पर एक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और एक गर्मी उत्पन्न करते हुए सबसे पहले अपनी आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श करेंगे। ईश्वर का ध्यान करते हुए धीरे से हाथ सामने की ओर उठाएं और जितना धीरे हो सके उतना धीरे अपनी आंखें खोलें। अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको एक स्वस्थ जीवन प्रदान करें और इस संसार पर सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें। और धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो निष्कर्ष, ये जो हमने योग बताया है अपने दर्शकों को, क्या वाकई ये अस्थमा को दूर कर देता है और क्या घर में बैठे आसान तरीके से इसे किया जा सकता है जैसे हमने अपने दर्शकों को दिखाया? जी हर जी, हम इसे नियमित रूप से करें तो आपको अस्थमा में ही नहीं बाकी अलग बीमारियों में भी काफ़ी लाभकारी होता है। हर आसन काफ़ी अन्य बीमारियों में बहुत लाभकारी होता है। आप इसे घर बैठे आराम से आधे घंटे में कर सकते हैं। तो निष्कर्ष ने जैसा बताया कि
आप अगर अस्थमा से पीड़ित हैं, अस्थमा की बीमारी से, तो आप इस योग को कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, अन्य भी ऐसी बीमारियां हैं तो आप इस योगा को भी कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर अगर अस्थमा की बीमारी आपको है तो इस योग को करिए। और वाकई जब आप योग को करते हैं तो भारत की ये वो पद्धति है, ये वो संस्कृति है जिस योग के ज़रिए आप अस्थमा जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। निष्कर्ष, कुछ लोगों की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं तो वो इस योग को करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है और इसको हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत आसान आपने बताए हैं योग। तो क्या उन्हें इस बहाने को छोड़ के इसको करने की कोशिश करनी चाहिए? जी हर्ष जी, हमारे पास, मैं योग गुरु हूँ, मैंने देखा है कि मेरे पास हर एज के, हर आयु के लोग आते हैं। 70-80 लोग के बुज़ुर्ग व्यक्ति आते हैं, वो अच्छे से, बहुत अच्छे से योग को करते हैं। तो हमें ये भाना छोड़कर योग को अपनाना चाहिए और अपने शरीर को और खुद को एक स्वस्थ जीवन देना चाहिए। ठीक है निष्कर्ष, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आजकल के बुज़ुर्ग में, युवाओं में और यहाँ तक कि बच्चों में भी अस्थमा की बीमारी देखने को मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितना पॉल्यूटेड है पूरा एरिया या फिर पूरा शहर। अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो कितना पॉल्यूशन हो जाता है दिवाली के आसपास, तो अस्थमा जैसी बीमारी काफ़ी लोगों को हो जाती है। अब मैं बच्चों की बात करूँ या फिर यूथ की बात करूँ तो उनका इंटरेस्ट खासतौर पर जिम की तरफ रहता है कि वो जिम की तरफ जाएँ और एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर घर बैठे इस योग को किया जा सकेगा तो वो अपने आप को फिट भी रख पाएंगे और बीमारी से भी दूर रह पाएंगे, क्या ऐसा ही है? जी हर जी, हमारे योग में काफ़ी सारे ऐसे व्यायाम हैं जो आपको एक अच्छा और स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं, आपको फिट रख सकते हैं जिम से भी अच्छा। तो मैं ये नहीं कहता कि जिम मत करिए, लेकिन जिम करने के तरीके को बदलिए। तो एक दो सवाल और लेते हैं निष्कर्ष हम आपसे, क्योंकि आपने बताया कि अस्थमा की बीमारी इससे ठीक हो सकती है। अब मैं योग पद्धति की बात करूं, क्योंकि योग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही उठें, योग आप किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि सुबह की जो पर्यावरण होता है, सुबह का पर्यावरण होता है, जो प्राकृतिक दृश्य होता है वो एक अलग ही होता है, और उसमें जो हम देखते हैं हवा होती है या कोई अन्य चीज़ होती है, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, उसको लेकर योग गुरु भी बताते हैं, आप भी बताते हैं कि सुबह करना चाहिए योग। लेकिन क्या दिन के समय या फिर रात के समय भी योग किया जा सकता है? क्योंकि ऑफिस अगर कोई यूथ गया या कोई अन्य व्यक्ति गया और योग को सुबह नहीं कर पा रहा है, तो क्या योग ये शाम को भी किया जा सकता है? शाम को किया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके खाने में कम से कम 2-3 घंटे का, कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारे जैसे हमारे पास समय होता है, ऐसी हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभाव डालती है। तो सुबह करने पर आपको थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलेगा और अलग समय पर करने पर आपको थोड़ा अलग लाभ मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई खाने की, लेकिन योग करते समय क्या पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए या फिर पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए? इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए हर्ष जी कि योग करने के बाद आप पानी पी सकते हैं 10-15 मिनट बाद। योग के बीच में अगर आपको लगता है तो आप उसमें एक घूंट पानी पी सकते हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा पानी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है योग के दौरान करते हुए। तो निष्कर्ष बहुत बहुत शुक्रिया ये सब चीज़ें बताने के लिए। निष्कर्ष ने बताया कि किस तरीके से आप खान पान का ध्यान रखते हुए ये योग कर सकते हैं, और वाकई जब इस योग को आप करेंगे तो अस्थमा जैसी बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि योग एक ऐसी पद्धति है जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, और आप इसे करके देखिए, वाकई आपकी अस्थमा जैसी बीमारी दूर हो सकती हैं। क्योंकि फिट भारत प्रोग्राम जब हम आपके सामने लेकर आते हैं तो फिट भारत प्रोग्राम के जरिए आपको बताते हैं कि आप फिट तो रह ही सकते हैं लेकिन कैसे बीमारियों से दूर भी रह सकते हैं। फिर हम मुलाकात ज़रूर करेंगे निष्कर्ष अपने दर्शकों से और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को फिट रख पाएंगे फिट भारत प्रोग्राम के जरिए। निष्कर्ष आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेष भारत पर आने के लिए। फिलहाल निष्कर्ष से हम जुड़े हुए थे और बातचीत कर रहे थे उस योग की जो आपको बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। लेकिन अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे, कोई अन्य योग होंगे, अन्य तरीका होगा, नई जगह होगी जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को फिट रख पाएंगे और बीमारियों से दूर रख पाएंगे। नमस्कार।